नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का द कोर आईएएस की ओर से शुरू किए जा रहे इस नए इनिशिएटिव में। आज से हम यूपीएससी मेंस 2018 के हिंदी साहित्य के पेपर का उत्तर, या हम कह सकते हैं कि एक सॉल्व पेपर हम डिस्कस करेंगे। हमारा यहाँ पे उद्देश्य यह नहीं है कि हम आपको सिर्फ एक मॉडर्न आंसर का पूरा चिट्ठा प्रोवाइड कर दें, वो तो कोई भी कर सकता है। हमारा उद्देश्य यहाँ पे यह है कि हम आपको ये बताने की कोशिश करें या ये समझाने की कोशिश करें विस्तार से कि जब क्वेश्चन आपके सामने अपीयर होता है, जिन लोगों ने मेंस दिया होगा, जब उनके सामने अपीयर हुआ होगा, या जब आप फ्यूचर में पेपर देंगे, जब आपके सामने क्वेश्चन अपीयर होगा, तो आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें स्ट्राइक करनी चाहिए, कैसे आप अपने आंसर की फ्रेमिंग करेंगे, कैसे आप अपने आंसर को लिखेंगे ताकि मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल सके। और यहीं पे मैं ये भी बताने की कोशिश आपके साथ करूँगा कि इनमें से कौन से क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप अपने मानक किताबों जो आप पढ़ते आए हैं उनसे पढ़ के आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे, और कौन से क्वेश्चंस ऐसे थे जो अपने उत्तर के लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत के लिए डिमांड करते। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था, देवनागरी लिपि की विशेषताएं बताइए। यहाँ पे ये टिप्पणी वाले क्वेश्चन आते हैं, पहले क्वेश्चन जो करने अनिवार्य होते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक जो आप पढ़ते हैं उससे आसानी से सॉल्व कर सकते थे, और ये क्वेश्चन आना भी चाहिए था। देवनागरी लिपि हिंदी की लिपि है, हिंदी भाषा की लिपि है। अब इस लिपि में ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो हमें और भाषाओं में नहीं दिखने को मिलती है, तो यहाँ पे हम यही जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन में आपको करना क्या था, आप अगर पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे तो बेटर होगा, आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। देवनागरी लिपि की कई विशेषताएं हैं जो इसे रोमन लिपि, अरबी लिपि या अन्य लिपियों से बेहतर बनाती है। इनमें से कई सारी विशेषताओं की आप चर्चा कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको 5 या 6 विशेषताएं याद आएँ तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। चलिए, पहली विशेषता जैसा हमने लिखा ही है कि वर्णों की व्यवस्था एक निश्चित क्रम में इसमें होती है। जैसे पहले आपके स्वर आते हैं, फिर व्यंजन आते हैं, स्वर में भी पहले ह्रस्व स्वर आते हैं, फिर दीर्घ स्वर आते हैं। दूसरी विशेषताएं, इसके अक्षरों के जो नाम हैं और उनके जो लिखित और उच्चारित स्वरूप हैं उनमें कोई विभिन्नताएं नहीं मिलती है। जैसे रोमन में हम कह सकते हैं कि PUT पुट होता है तो BUT बट क्यों होता है। ये इसी प्रकार जैसे लिखा हमने कि ओ ध्वनि के उच्चारण आपको यू भी मिल सकते हैं, डबल ओ भी मिलते हैं, कहीं कहीं पे ओ भी मिलता है, लेकिन देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं है। आगे, देवनागरी लिपि में व्यंजनों की भी निश्चित व्यवस्था है। हम देख सकते हैं कि व्यंजन भी किस प्रकार से आपके व्यवस्थित हैं, आपके कंठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन इस प्रकार से व्यवस्थित हैं। साथ ही साथ कि व्यंजनों का अल्पप्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन, सघोष व्यंजन, अघोष व्यंजन, इस तरीके से व्यंजनों की व्यवस्था हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि में है। देवनागरी लिपि एक अक्षरात्मक लिपि भी है। अक्षरात्मक लिपि होने के कारण यह कम स्थान को घेरती है और कम समय को घेरती है। इस लिपि में हर एक अक्षर शिरोरेखा से युक्त होता है, जो इसको एक अर्थव्यवस्था प्रदान करता है, ताकि इसके हर अक्षर, हर वाक्य एक दूसरे से स्पष्ट विभाजित होकर पहचाना जा सके। लास्ट विशेषता, मैंने आपसे कहा आप 5-6 विशेषताएं लिख सकते हैं। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक वर्ण होता है और एक वर्ण से सिर्फ और सिर्फ एक ही ध्वनि का संकेत होता है। ये बहुत बड़ी विशेषता है जो संसार की बहुत कम लिपियों में पाई जाती है। इस प्रकार से आप अपने आंसर को अच्छे से लिख सकते थे। मेरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन का ख पार्ट था कि हिंदी भाषा का मानक स्वरूप क्या है। आपने इसमें टिप्पणी लिखनी थी। देखिए, यह बहुत ही आसान क्वेश्चन मैं समझता हूँ, जो किसी भी आपको स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा कि हिंदी भाषा का मानक स्वरूप क्या है। यहाँ पे सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन आपके दिमाग में आता तो आप इसको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं कि मानक भाषा किसे कहते हैं। देखिए, जैसे हमने लिखा भी है, मानक भाषा किसी राष्ट्र, राज्य या समाज की वह प्रतिनिधि या आदर्श भाषा होती है जिसका प्रयोग वहाँ के सुशिक्षित समुदाय द्वारा अपने साहित्यिक, प्रशासनिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदि सभी आयामों में समान रूप से किया जाता है। ठीक है, आगे हम अगर बढ़ते तो हम इसमें देख सकते हैं कि एक जो मानक भाषा होती है उसको मानक रूप प्रदान करने वाले कौन से तत्व होते हैं। तो ये कहीं भी मिलेगा, कुछ 8 तत्व होते हैं। इनमें से कोई भी आपको याद हुए आप लिख सकते हैं। एक रूपता, व्याकरण सम्मतता, ऐतिहासिकता, व्यावहारिकता, केंद्रोन्मुखता। तो इस प्रकार से ये तत्व किसी भी भाषा को मानक स्वरूप प्रदान करते हैं।
अब हिंदी भाषा पे हम चर्चा करेंगे। हिंदी भाषा का जो आज का मानक स्वरूप है वो खड़ी बोली व देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली मानक भाषा है, जिसे परिनिष्ठित हिंदी भी कहते हैं। इसी प्रकार जो ये हिंदी है, ये तो हमने आंतरिक स्वरूप की बात की, अब बाह्य स्वरूप में हम देखेंगे तो ये हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, राज्य भाषा और संपर्क भाषा के रूप में विभिन्न विधाओं में प्रयोग आज की जाती है। इसके अंतरंग रूप की अगर हम बात करें तो इसके अंतरंग रूप में इसकी भाषिक संरचना वो व्यावहारिक व्याकरणिक व्यवस्था को हम देख सकते हैं। कैसे? हिंदी की विभिन्न बोलियों में खड़ी बोली ही विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरकर मानक हिंदी में परिवर्तित हुई है। आपको पता होगा कि रीति काल में ब्रज भाषा परिनिष्ठित थी, सबसे चरम स्थान पर विराजमान थी, उसके बाद ब्रज भाषा का पतन होता गया और आधुनिक हिंदी में गद्य और काव्य के लिए खड़ी बोली को ही समत माना गया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हिंदी भाषा का मानक स्वरूप आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ के हम देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन पूछा गया था पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था, पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, किसी भी स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा। देखिए पश्चिमी हिंदी, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए जो पश्चिमी हिंदी हमारी है वो हमारे सौर श्रेणी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां आप लिख सकते हैं, पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां आती है। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली है, खड़ी बोली है, हरियाणी है, कन्नौजी है, दक्षिणी है। तो आप इन भाषाओं का हल्का सा एक डायग्राम आप बना के आगे आप लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा है पश्चिमी हिंदी की बोलियां सौर श्रेणी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इन बोलियों का क्षेत्र अंबाला से लेकर कानपुर तथा देहरादून से लेकर महाराष्ट्र तक विकसित है। ये आप क्षेत्र बता सकते हैं। और इसमें लिखा है कि इसमें विभिन्न बोलियां ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, कन्नौजी, हरियाणी और दक्षिणी है। आगे हम विशेषताएं देख सकते हैं पश्चिमी हिंदी में। आपको ये टिप्पणी वाला क्वेश्चन है, आपको इसमें सभी पश्चिमी हिंदी की बोलियों की एक एक विशेषताएं या जो सब कॉमन विशेषताएं हैं विभिन्न बोलियों के बीच में वो लिखनी है। जैसे अगर हम ब्रज भाषा की बात करते हैं तो ब्रज भाषा के अतिरिक्त बाकी सभी बोलियां आकार बहुल है जबकि ब्रज भाषा ओकार बहुल है। ब्रज भाषा में मेरो तहारो होता है, जबकि हम खड़ी बोली देखें, दक्षिणी देखें तो हमारा, तुम्हारा, इस प्रकार से ये आकार बहुल है। ब्रज भाषा के अतिरिक्त जो नौ ध्वनि है वो बाकी सभी भाषाओं में अणौ ध्वनि में बदल जाती है। पश्चिमी हिंदी की बोलियों में मूर्धन्य ध्वनियों का सर्वाधिक प्रयोग हमें दिखता है। आगे बढ़ते हैं। महाप्राण ध्वनियाँ पश्चिमी हिंदी की बोलियों में अल्पप्राण ध्वनियों में बदल जाती है। जैसे पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ, यदि आप खड़ी बोली, हरियाणवी, दक्षिणी देखें, भूख का भूख हो जाता है। और इसी का अगला चरण है कि पश्चिमी हिंदी की बोलियों में अकारण अनुनासिकता का अत्यधिक प्रयोग दिखता है। अनुनासिक ध्वनियाँ अकारण दिखती है, हाथ का हाथ हो जाता है, मैंने पहले बताया भूख का भूख हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम आगे देखें तो ये सबसे बड़ी विशेषता पश्चिमी हिंदी में दिखाई देती है कि पश्चिमी हिंदी के विशेषण पूर्वी हिंदी की बोलियों के विपरीत विकारी देखे जाते हैं। जैसे लिंग के अनुसार काला काला, काली काले हो जाते हैं, वही कारा कारी कारे हो जाते हैं। इसी प्रकार लाल या आप इसी प्रकार आगे देख सकते हैं। आगे आते हैं, अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रकार से आप हर क्वेश्चन में 5-5, 6-6 पॉइंट लिख के आप अपने आंसर को अच्छा बना सकते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन अगला आया था, रहीम की काव्य भाषा और उसकी विशेषताएं बताइए। तो रहीम पे 3-4 सालों से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं। रहीम पे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड थे, आगे भी आ सकते थे, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा था। इस क्वेश्चन को पढ़ते ही हमने ये देखना था इस क्वेश्चन में कि रहीम की काव्य भाषा किस प्रकार की रही है और उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, क्यों रहीम आज भी लोकप्रिय हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम एक हल्का सा इंट्रोडक्शन इसमें दे सकते थे कि रहीम अब्दुल रहीम खान खाना, देखिए यहाँ पे आप रहीम दास कभी गलती से भी मत लिखिएगा, अब्दुल रहीम खान खाना अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ये बहुभाषाविद थे। इनके काव्यों में हमें विभिन्न भाषाओं के दर्शन होते हैं। ब्रज भाषा जो दोहावली आदि में दिखती है और अवधी भाषा जो बरवे नायिका भेद आदि में दिखती है। साथ ही इनके काव्य, एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनका मदनाष्टक, जिसमें खड़ी बोली के भी
हमें लक्षण देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रहीम की काव्य भाषा भारतीय संस्कृति की अद्भुत मिठास को धारण किए हुए हैं। उनकी भाषा में रामायण और महाभारत की चर्चा सामाजिक विसंगतियों, आर्थिक चिंतन, धार्मिक पाखंड के विरोध आदि को बड़ी सहजता से दर्शाती है। तो ये सारी विशेषताएँ रहीम की काव्य भाषा की है। यहाँ पे आप अपने आंसर को पुष्ट करने के लिए कोई उदाहरण दे सकते हैं, जैसे ये बहुत अच्छा उदाहरण है, खीरा सिर से काटिए मलियत लोन लगाए, रहीमन करुए मुखन को चाहियत इहे सजाए। तो ये काफ़ी अच्छा दोहा है जो बहुत कम लोग लिखेंगे। इस तरीके से आप थोड़ा सा अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। रहीम अपने नीति, इसका आगे हम बढ़ते हैं। रहीम अपने नीति परक गहरे अनुभवों को तर्कपूर्ण और सरल भाषा में व्यक्त करते हैं। देखिए बहुत छोटी छोटी विशेषताएं हैं, जब रहीम को आप पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे रहीम आज भी क्यों लोकप्रिय हैं, यही विशेषताएं उनको लोकप्रिय बनाती है। एक अगला दोहा भी आप इसमें लिख सकते हैं। देखिए रहीम बहुत आसान भाषा में बहुत ही गहन बात को आराम से सहज रूप से कह देते हैं। अब रहीम मुश्किल पड़ी गाड़े दो काम, सांचे तो जग नहीं झूठे मिले न राम। इस प्रकार से आज भी रहीम 400 साल बाद भी अपने काव्य भाषा की विविधता, प्रयोग धर्मिता, मार्मिकता, सारगर्भिता और सहजता के कारण आज भी सार्थक बने हुए हैं। इस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते थे। ये पहले क्वेश्चन का अंतिम टिप्पणी वाला क्वेश्चन था कि संत साहित्य में अवधि का योगदान क्या रहा है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा था घुमाने वाला क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली आपको सामान्यतः किताबों में नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप अपने विभिन्न हिंदी साहित्य के विभिन्न सिलेबस के विभिन्न भागों का जो आपने अध्ययन किया है वो ज्ञान आप बटोर कर उसको एक साथ पिरो कर इस आंसर को लिख सकते थे। थोड़ा कठिन क्वेश्चन था लेकिन इसको आप लिख सकते थे। अच्छा कैसे हम आगे देखते हैं। देखिए संत साहित्य भक्ति काल का जो भक्ति काल आंदोलन का एक प्रमुख साहित्य है संत साहित्य, जिसमें कबीर, दादू, नानक आदि संत कवि आते हैं। अब इनके काव्य में प्रमुख जो भाषा का प्रयोग हुआ है वो ज़्यादातर भाषा आपकी पंचमेल खिचड़ी टाइप की, लेकिन इसमें अवधि का क्या योगदान रहा है हम आगे देखते हैं। इसी तरीके से हमने इंट्रोडक्शन लिखा है, यद्यपि भक्ति काल में अवधि का उत्कर्ष राम भक्ति काव्य में मिलता है तुलसी के काव्य में, परंतु संत कवियों ने भी अवधि की गंभीरता और स्थिरता की शक्तियों को देखते हुए अपने ईश्वर विषयी और आदमर विरोधी साहित्य में अवधि का प्रयोग किया। यहाँ पे हम इसके आगे कुछ संत कवियों का उदाहरण देख के हम अपने आंसर को बना देंगे। संत कवि जैसे कबीर, जहाँ कहीं भी उन्होंने भक्ति का वर्णन किया है वहाँ हमें अवधि के दर्शन होते हैं, क्योंकि अवधि जो भाषा है वो अपनी गंभीरता और स्थिरता को लिए हुए हैं। तो भक्ति परक दोहों में अवधि के दर्शन हमें कबीर के साधारणतः हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अब इसको आप पुष्ट करने के लिए कोई उदाहरण डाल देंगे। जैसे कबीर कहते हैं, राम बिनु तन को ताप न जाई, जल में अगन रही अधिकाई। यहाँ पे जो बिनु का प्रयोग है, इस ये जाई का प्रयोग है, ये अवधि के लक्षण है। इसी प्रकार संत कवियों जैसे बाबा मलुकदास, सॉरी यहाँ पे बाबा होना चाहिए था, बाबा मलुकदास को क्या आपको जानना भी चाहिए, ये अवध क्षेत्र के थे। ये अपनी अपने काव्यों में अवधि का यूज बहुत ज़्यादा करते थे। जैसे इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है, मरने मरने भांति हैं जो मरी जाने कोई, राम दुवारे जो मरई बहुरी न मरना हुई। इस तरीके से आप इस प्रश्न को बना सकते थे। मेरा आशा है मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका, इसमें आपको ऑप्शन था, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। किसी भी एक खंड से आपको 2 क्वेश्चन और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, किसी भी एक क्वेश्चन से मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला खंड था, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हिंदी भाषा के प्रयोग की स्थिति का आकलन कीजिए। देखिए बहुत ही ये अनुमानित क्वेश्चन था कि ये आना चाहिए, क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट है। अब इसको जानते ही आप यहाँ पर अपने जो सामान्य अध्ययन के आपके ज्ञान है उसका यहाँ पे प्रयोग कर सकते थे, क्योंकि आज का करंट अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो सकता था। चलिए देखते हैं कैसे। इसमें आप इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में देंगे कि आज के इस वैश्वीकृत आधुनिक तकनीकी समृद्ध विश्व में बदलती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अगर हमें हिंदी भाषा को लेके जाना है चरम पर, तो हमें इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल और आविष्कारों की भाषा इसे बनाना होगा। वैज्ञानिक विकास की दृष्टि से हम देखें तो हिंदी भाषा का हमें 2 स्तरों पर तुलनात्मक रूप से हमें विकास जो दिखता है उसके हमें 2 स्तर पे हमें देखें तो हिंदी भाषा बहुत वैज्ञानिक और तार्किक है। आवश्यकता है कि इसके मानकीकरण के लिए हम आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार इसे निश्चित शब्द निर्माण की दिशा की ओर बढ़े।
इसी दिशा में सबसे पहले 1955 में राजभाषा आयोग की संस्तुतियों के आधार पर विधायी शब्दावली आयोग और वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग को बनाया गया। साथ ही अनुवाद कार्य हेतु केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का निर्माण किया गया। परंतु यह विकास मात्रात्मक होते हुए भी, अब आपने बता तो दिया कि इतिहास कैसे कैसे रहा है, हमने क्या किया इस क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पे आपको आलोचनात्मक टिप्पणी करनी, कैसे कि आज आपने कहना आकलन कीजिए, क्वेश्चन में था कि उसके विकास का आकलन कीजिए, तो आज क्या क्या हुआ है, विकास तो हुआ है, हमने विभिन्न आयोग हमने बनाए, लेकिन उनकी प्रगति कैसे रही है, तो यह विकास सिर्फ मात्रात्मक हुआ है, गुणात्मक रूप से अभी भी हम पिछड़े हैं। कैसे, क्या कारण है इसके, बहुत सारे कारण हैं, विभिन्न विचारधाराओं का जड़त्व, राज्यों के बीच समन्वय का अभाव, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, बहुत सारे कारणों से हिंदी भाषा वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में उस स्तर को प्राप्त नहीं कर पाई। अब आगे हम बढ़ते हैं, इसी प्रकार विज्ञान की तो बात हुई, अब तकनीकी क्षेत्र में हम देखें तो सबसे पहले जो टाइपराइटर का युग था, उसके बाद 1980 में सिद्धार्थ नामक कंप्यूटर से शुरुआत करके GIST ग्राफिक बेस्ड इंडियन स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी जैसे तकनीकों, और इसके बाद अक्षर, आलेख, संगम, नारद जैसे हिंदी सॉफ्टवेयरों और स्पेल चेकरों जैसे नवाचारों के साथ प्रगति हिंदी भाषा में तकनीकी क्षेत्र में हुई है। इसी के साथ भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान का अनुस्मारक नामक सॉफ्टवेयर हिंदी और अन्य भाषाओं के साथ अंतरण की सुविधा देता है, और यूनिकोड, यहाँ पे आप यूनिकोड का जरूर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, यूनिकोड से जहाँ टंकण आसान हुआ वहीं हिंदी के शिक्षण हेतु लीला प्रबोध जैसे मल्टीमीडिया पैकेज का विकास हुआ। ये सब फैक्ट्स हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं इसमें, आपको जो याद हो सके आप यहाँ पे लिखेंगे, आपका आंसर अच्छा बन जाएगा, लेकिन फिर भी आज अंग्रेजी की तुलना में हिंदी भाषा का तकनीकी विकास काफ़ी पीछे है। अंग्रेजी की तरह यहाँ पे ध्वनि पहचान सॉफ्टवेयरों जैसे नवाचारों और स्कैनिंग के नवाचारों जैसे अंग्रेजी भाषा में आपका टेक्स्ट टू स्पीच और आपका बहुत ही ई पेन का जैसे नवाचार हैं, दृष्टि बाधित हेतु अंग्रेजी भाषा में कई नवाचार हैं, वो हिंदी भाषा इस क्षेत्र में पिछड़ रही है। आप ये कहकर अपने आंसर को समाप्त कर सकते हैं और अंत में एक अच्छा सा आप निष्कर्ष दे देंगे भविष्य को लेते हुए कि हिंदी भाषा के पास अपनी विशेषताएँ बहुत हैं, अपने संभावनाएँ बहुत हैं, जरूरी है कि हम एक राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छा शक्ति के साथ एक सशक्त जन आंदोलन चलाएं ताकि हिंदी भाषा को 21वीं सदी की भाषा बनाया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन था, अरबी हिंदी के विकास में अपभ्रंश की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। यह बहुत ही आसान क्वेश्चन था क्योंकि अपभ्रंश जब भी आप पढ़ते हैं, अपभ्रंश, अवहट, प्रारंभिक हिंदी आप पढ़ते हैं, तो आप इस परंपरा में यह जरूर मानते हैं कि कोई भी भाषा ना अचानक से पैदा होती है ना उसका अवसान होता है, हर भाषा अपने आने वाली भाषा के साथ को कुछ अवयव देके जाती है, हर आने वाली भाषा अपने पिछली भाषा से कुछ ना कुछ अवयव लेती है। इसी प्रकार हम यहाँ पर ये देख सकते थे कि आरंभिक हिंदी के विकास में अपभ्रंश की क्या भूमिका थी। शुरू करते हैं, अरबी हिंदी जिसके प्रमाण, अब यहाँ पे आप प्रमाण देंगे अरबी हिंदी के प्रमाण कहाँ कहाँ मिलते हैं, यह सरप्पा कणप्पा जैसे सिद्धों की रचनाओं में मिलते हैं, पुष्पदंत और स्वयंभू की रचनाओं में मिलते हैं, और सबसे बड़ा रोडाकृत राउल बेल में इसके प्रमाण मिलते हैं। आगे हम देखेंगे कि अब इसमें क्या क्या अपभ्रंश के योगदान रहे हैं, तो हम इसमें देख सकते हैं कि अपभ्रंश के प्रारंभिक हिंदी में योगदान हम दो स्तर पर देख सकते हैं, ध्वनिगत स्तर पर और व्याकरणगत स्तर पर, और एक तीसरा अगर आप लिखना चाहें शब्दगत स्तर पर भी आप देख सकते हैं। ध्वनिगत स्तर की बात करें तो हम इसमें देख सकते हैं कि जो री आपका अक्षर था, री वर्ण था, उसका अपभ्रंश में ही अ, ई और उ में परिवर्तन हो चुका था, जो आगे हमें प्रारंभिक हिंदी में भी दिखता है, जैसे मृत्यु का मीचू। स्वर भक्ति और अधिक मात्रा में दिखती है, जो भी अपभ्रंश की विशेषता थी, जैसे दर्शन का दर्शन। क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण, यह भी अपभ्रंश की विशेषता थी जो प्रारंभिक हिंदी ने ली, जैसे पुत्र का पूत। क्षतिपूर्ति दीर्घीकरण क्या है ये आगे हम जब अपनी क्लास हम शुरू करेंगे हम अच्छे विस्तार से बताएंगे। अपभ्रंश की ही बात थी, आरंभिक हिंदी भी टॉ वर्ग प्रधान भाषा थी, ये भी एक विशेषता है। यौ श्रुति की विशेषता अपभ्रंश से ही शुरू हुई थी। यौ श्रुति का मतलब है कि यदि बीच में कोई भी आपका अल्पप्राण व्यंजन आता है
तो वह यौ में बदल जाता है, और यही आगे महाप्राण व्यंजन अगर बीच में आए तो उसका हौ में परिवर्तन हो जाता है। यह दो विशेषताएं हमें अभ्रंश में दिखती थी, जो आगे भी हमें प्रारंभिक हिंदी में देखने को मिलती है। इनमें से कोई भी आपको विशेषताएं याद हो, चार पांच आप लिख सकते हैं। आगे व्याकरण अगर विशेषताओं की बात करें तो निर्विभक्तिक प्रयोग, विभक्तियों का लोप हमें अभ्रंश ही देखने को मिल गया था, और इसके साथ साथ परसर्गों का और अधिक विकास हमें अभ्रंश देखने को मिलता है, जो आरंभिक हिंदी तक चलता है। ही विभक्ति का प्रयोग, यह भी अभ्रंश की विशेषता थी जो आगे ही चली। और नपुंसकलिंग, ये सबसे बड़ी विशेषता थी, क्योंकि अभ्रंश में ही संस्कृत के नपुंसकलिंग का आपका अवसान हो चुका था, और द्विवचन की अनुपस्थिति। इसी के साथ साथ जैसे संस्कृत तिड़ंती या विशेषणों से भरी थी, इसके उलट आपके अभ्रंश से ही हमारी हिंदी में किरदंतिया विशेषणों का विकास होना शुरू हुआ, जो आरंभिक हिंदी तक चला, और इसी के साथ साथ किरदंतिया क्रियाओं का भी विकास हुआ। तो इस तरीके से आप अपनी विशेषताएं लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको शब्दगत विशेषताएं याद हो, कि जो तत्सम और तद्भव शब्द वो बनने शुरू ही हो गए थे आपके अभ्रंश से। चलिए आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दो का अंतिम क्वेश्चन था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने में नागरी प्रचारिणी सभा और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का योगदान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो किसी भी आपको बुक में मिल जाएगा आराम से। चलिए इसके आगे हम देखते हैं इसमें क्या था। अगर हम काशी नागरी प्रचारिणी सभा की बात करें तो इसके स्थापना श्री गोपाल दास खत्री, महामना मदन मोहन मालवीय जी, श्रीधर पाठक जी, बद्री नारायण चौधरी आदि के नेतृत्व में हुई थी। इस संस्था ने हिंदी भाषा में कोश रचना, हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन, हिंदी के व्याकरण का विकास, हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, उनका संरक्षण, उसके साथ साथ नियमित संगोष्ठियों के आयोजन के द्वारा जन जन तक हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचारित और प्रतिष्ठित करने का बीड़ा उठाया। इसी के साथ साथ इस संस्था ने क्या किया था कि यह संस्था नागरी लिपि में सुधार, आशुलिपि, भाषण प्रतियोगिता, पोस्टरों आदि के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में आगे पहुंचाने का काम करती थी। यदि हम दक्षिण भारत नागरी प्रचारिणी सभा की बात करें तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी जी के आशीर्वाद से हुई थी। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा ने श्री देवदास गांधी और सत्यदेव परिव्राजक जैसे नेताओं के नेतृत्व में दक्षिण भारत राज्यों में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दिया। सभा ने क्या किया, सभा ने दक्षिण भारत में विभिन्न प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना की, जहां प्रवीण और प्राच्य जैसे पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते थे, जिसमें दक्ष अध्यापकों की हम श्रेणियाँ तैयार करते थे। इसी के साथ साथ इस भाषा ने हिंदी प्रेमी मंडल जैसे संगठन बनाए, जो बहुत ही आसान भाषा में दक्षिण भारत की जनता को हिंदी के लिए प्रेम जगाने का काम करते थे। इसी के साथ साथ इस संस्था ने दक्षिण भारत में कई स्कूलों की स्थापना भी की, और कई नेताओं जैसे श्री राजगोपालाचारी जैसे नेताओं ने इस संस्था को सहयोग दिया। इस तरीके से आपको इन संस्थाओं के बारे में जो कुछ भी याद हो आप लिख सकते हैं। वैसे काफ़ी कुछ लिखने को है, आप 250 शब्दों के अंदर बहुत ही संक्षेप में इस क्वेश्चन का आंसर देना था। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन था, तीसरे क्वेश्चन का जो पहला खंड था ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था कि पारिभाषिक शब्दावली से आप क्या समझते हैं, पहला पार्ट ये था। दूसरा पार्ट था हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण का इतिहास का उदाहरण सहित मूल्यांकन कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपके सिलेबस का एक पार्ट है, और ये आपको किसी भी बुक में मिल सकता था। चलिए हम समझते हैं। पहला तो आपको सबसे पहले खंड का आंसर लिखना है, पारिभाषिक शब्दावली क्या है। पारिभाषिक शब्दावली वह शब्दावली है जो किसी निश्चित क्षेत्र में प्रयुक्त होती है तथा जिसका अर्थ भी वस्तुनिष्ठ होता है। यह एक सारगर्भित परिभाषा हो सकती है। इन शब्दों की तीन प्रमुख विशेषताएं होती हैं। यह शब्द, पहली विशेषता, यह शब्द नितांत विषय सापेक्ष होते हैं। जैसे कि यदि विज्ञान के शब्द है तो विज्ञान में ही प्रयुक्त होंगे, इलेक्ट्रॉन कहीं और प्रयुक्त नहीं हो सकता है। ये शब्द अभिधातु रूप में ही ग्रहणशील होते हैं। जैसे कि अगर हम बोलें विज्ञान में बल या जड़त्व, तो इसका अर्थ अभिधातु रूप में ही लिया जाएगा, जड़त्व का अर्थ कुछ और नहीं हो सकता है। ये शब्द अर्थ के सूक्ष्मीकरण की विशेषताओं से युक्त होते हैं, यानी कि अगर हम दो शब्दों के बीच में अगर हम त्वरण बोलते हैं, चलिए छोड़े, अगर हम वेग बोलते हैं और चाल बोलते हैं, तो इनके बीच में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, आप वेग को चाल के साथ प्रयुक्त नहीं कर सकते। यह पारिभाषिक शब्दों की विशेषताएँ होती हैं। चलिए ये तो हमने विशेषताएँ लिखी, आगे हम अगर देखें
पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण का इतिहास देखें हिंदी में, तो हम हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण का सबसे पहले प्रमाण हम शिवाजी के मंत्री रघुनाथ पंत द्वारा राजकीय शब्दावली के विकास के रूप में पाते हैं। ये तो हम एक बहुत ही छोटे स्तर पर प्रयास हुआ था। इसके आगे हम देखें तो 1871 में विज्ञान और विधि संबंधी यूरोपीय भाषा के शब्दों को भारतीय भाषा में रूपांतरित करने हेतु तत्कालीन औपनिवेशिक सरकार की बंगाल सरकार ने एक समिति बनाई थी। इसके आगे अगर हम देखें तो इस क्रम में सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में काशी नागरी प्रचारिणी सभा का। इस सभा ने 1901 में हिंदी साइंटिफिक ग्लॉसरी प्रकाशित की। इसके साथ साथ इस सभा ने एक संगठित रूप से पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण का प्रयास किया। इस दिशा में व्यक्तिगत स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रयास रहा था डॉक्टर रघुवीर का। यह आप आगे पढ़ेंगे, डॉक्टर रघुवीर के बारे में आने वाले सालों में एक सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आंग्ल भारतीय महाकोश को चार खंडों में प्रकाशित किया और इसके साथ साथ व्यक्तिगत स्तर पर लाखों पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किया। इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1960 में केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना हुई और 1961 में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना हुई। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग विज्ञान, मानविकी, प्रशासन, आयुर्विज्ञान, कृषि, रक्षा आदि से संबंधित शब्दावलियों का निर्माण द्रुत गति से करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसी प्रकार विधि संबंधी शब्दों के लिए विधायी शब्दावली आयोग को भी गठित किया गया था। आगे हम देखें तो हिंदी भाषी जनता की असहिष्णुता, हिंदी के बीच के और विभिन्न राज्यों के बीच में सामंजस्यों की कमी, तेजी से बदलते विश्व और इन सभी कारणों के कारण जिस उद्देश्य से ये आयोग बने थे और पारिभाषिक शब्दों का जिस तेजी से निर्माण होना था वो नहीं हो पाया। आपने यहाँ पे आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। बहुत सारे कारण आप इसमें देख सकते हैं। आप देख ही लीजिए कि आज जो पारिभाषिक शब्द बन भी रहे हैं वो इतने क्लिष्ट हैं कि वो आम जनता के बीच लोकप्रिय नहीं हो पा रहे। यही आपने कारण यहाँ लिखने हैं और जो भी कारण आपको याद आ सकते हैं आप लिखिए कम शब्दों के अंदर सारगर्भित रूप से। लेकिन आगे हमें जो इसमें निष्कर्ष देना है, देखिए ये अच्छे एक आंसर राइटिंग की विशेषता होती है। आप निष्कर्ष दीजिए, आप अपनी भाषा का साहित्य पढ़ रहे हैं तो आप एक भविष्योन्मुखी निष्कर्ष दीजिए कि आगे क्या किया जा सकता है। ये हमने लिखने की कोशिश की है कि जो आगे अगर पारिभाषिक शब्द हमें विस्तारित रूप से बनाने हैं तो हमें ये ध्यान रखना देगा कि इनके व्यावहारिक अनुप्रयोग को नज़रअंदाज ना किया जाए। यह जनता के बीच में लोकप्रिय बनने चाहिए और हम ये देखें कि कोई भी हम अगर शब्दों को पारिभाषिक रूप से निर्माण कर रहे हैं तो उनका अक्षरशः अनुवाद करने से बेहतर हम कई स्थानों पर प्रचलित विदेशी शब्दों को भी पर्याप्त लोचशीलता के साथ यानी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम कोल्ड ब्लडेड मर्डर का हिंदी में अनुवाद करना चाहें तो कोल्ड के लिए शीत, ब्लडर के लिए लोहित और मर्डर के लिए हत्या, तो शीत लोहित हत्या से अच्छा शब्द आपका निशंस हत्या हो सकता है जो कि चर्चित शब्द है। इस तरीके से आप कई उदाहरण लिख सकते हैं। जैसे अगर हम बोलना चाहें कि पारिभाषिक शब्दों में अगर हम बोलना चाहें कि इंस्पेक्टर को हम उसको निरीक्षक कहें, है ना, या क्यों हम उसको दरोगा क्यों नहीं कह सकते, दरोगा एक प्रचलित शब्द है। इस तरीके से आप कई उदाहरण लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन था कि खड़ी बोली का उसके प्रमुख बोलियों के साथ अंतर संबंध देखिए। ये थोड़ा मैं कठिन क्वेश्चन में से मानता हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट आपको किसी किताब में नहीं मिलता है। इसमें आपको आपके इस खंड के विभिन्न हिस्सों का ज्ञान को बटोर कर एक जगह पर प्रयोग करना था। चलिए लेकिन ये क्वेश्चन बनने लायक क्वेश्चन था। कैसे, आगे देखते हैं। खड़ी बोली, हमें सबसे पहले क्वेश्चन सुनते ही दिमाग में आना चाहिए ये खड़ी बोली है वो पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो अभी अपना आंसर शुरू करेंगे कि खड़ी बोली सौरशनी अपभ्रंश से विकसित हुई पश्चिमी हिंदी उपवर्ग की प्रमुख बोली है। इस उपवर्ग की अन्य बोलियां हैं ब्रजभाषा, हरियाणी, कन्नौजी, बुंदेली, दक्षिणी। अब इन सभी बोलियों से इस खड़ी बोली के जो संबंध है वो हमें विभिन्न रूपों में स्वशब्दगत, ध्वनिगत, व्याकरणगत रूपों में दिख सकते हैं। जैसे ये प्रायः सभी बोली ब्रज भाषा को छोड़ के आकारांत बोलियां हैं। अब इस आगे देखिए, अगर दक्षिणी हिंदी की बात करें दक्षिण हिंदी में भी खड़ी बोली के समान उच्चारण लाघव की प्रवृत्ति मिलती है। जैसे अगर हम खड़ी हिंदी में छिप गया को खड़ी हिंदी में छिपगा बोलते उच्चारण लाघव, वैसे ही दक्षिणी में गुंबद को गुम्बज कहते हैं। यही विशेषता हरियाणवी की मिलती है। यहाँ पे आप हरियाणवी भी साथ में लिख सकते हैं कि हरियाणवी में भी यही विशेषता मिलती है।
बुंदेली में क्या होता है, खड़ी बोली के समान बुंदेली में रौ ध्वनि से आपस में बदल जाती है, जैसे चपरासी का चपरासी हो जाता है। ये विशेषता है जो खड़ी बोली को इससे अंतर संबंध बताती है। आगे हम देखें कि खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणी, इन सभी बोलियों में बलाघात की प्रवृत्ति हमें बहुत ज़्यादा दिखती है। जैसे सियाना की बात करें तो यहाँ पे सौ पे बलाघात है तो सियाना का श्याणा हो जाता है इन सभी भाषाओं में। खड़ी बोली और हरियाणवी में नौ ध्वनि का अण ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है, जैसे अपना का अपना हो जाता है। यहाँ पे देखिए इन इस प्रकार के प्रश्नों में आपको पॉइंट आप फॉर्म में लिखेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, और साथ साथ आपको हर एक विशेषता के साथ उदाहरण जरूर देना है ताकि आपका आंसर पुष्ट हो सके। चलिए आगे हम देखते हैं, ये इतनी इतनी सारी विशेषताओं में से आप कुछ भी याद हो आप कनेक्ट करके आप आंसर बना सकते हैं। आगे अगर हम ये तो हमने देखें ध्वनिगत रूप में, आगे हम शब्दगत रूप में देखें तो खड़ी बोली के और तत्सम और तद्भव शब्द के जो भंडार है वो प्रायः सभी भाषाओं में आपको समान रूप से मिलते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप अच्छे रूप में टैकल कर सकते थे। चलिए इस पार्ट का अंतिम प्रश्न हम डिस्कस करते हैं। अंतिम एक प्रश्न आया था, बहुत ही प्यारा प्रश्न। देखिए यह सिर्फ भाषा खंड का प्रश्न ही था, इसमें आपको हिंदी साहित्य का संपूर्ण ज्ञान को कम शब्दों में सारगर्भित रूप से गागर में सागर के समान लगाना था। प्रश्न था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की राष्ट्रीय चेतना की मुखर अभिव्यक्ति हिंदी साहित्य में हुई है, 100 उदाहरण समीक्षा कीजिए। अब आपने इस प्रश्न में समीक्षा तो लिखा है, हुई है, देखिए हुई तो है, और आपने हिंदी और बिल्कुल भी है आपने हिंदी साहित्य को ऊपर दिखाते हुए सर्वश्रेष्ठ दिखाते हुए इस क्वेश्चन को लिखना था, और विभिन्न हिस्सों का और इतिहास का, हिंदी साहित्य के इतिहास का, विभिन्न कालों का अपना ज्ञान को दिखाते हुए। चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। देखिए इंट्रोडक्शन तो आप वही लिखेंगे। आगे हम देख सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने हमेशा से स्टार्टिंग से इस बात को समझ लिया था कि हमारी राजनीतिक एकता और हमारे देश की जागृति के लिए एक राष्ट्रभाषा की महती आवश्यकता है, और इस उद्देश्य के लिए उन्होंने हिंदी भाषा को चुना। यहीं से हम शुरू कर सकते हैं, और आगे हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमें हिंदी साहित्य पढ़ते समय दिमाग में हर हमेशा रखनी चाहिए, और ये भाषा खंड में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से थी, कि हिंदी भाषा को भारतीय इतिहास में धार्मिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के नेताओं ने सबसे प्रमुख भाषा माना था। और यही नहीं, दयानंद सरस्वती जैसे गुजराती भाषा क्षेत्र के नेताओं, राजा राम मोहन राय जैसे बंगाल के नेताओं, और केशव चंद सेन जैसे नेताओं ने भी हिंदी साहित्य को माध्यम माना। यहाँ से आप कनेक्ट करके ले गए इस क्वेश्चन को, अच्छा आपने एक इंट्रोडक्शन दे दिया। आगे आप देख सकते हैं, हमें बिल्कुल पता है कि गदर काल मतलब 1857 के काल के बाद भारतेंदु और उनके मंडल ने हिंदी साहित्य को, हिंदी भाषा को नव जागरण का वाहक बनाया। देखिए नव जागरण शब्द आप हिंदी साहित्य का इतिहास और अपने स्वतंत्रता संग्राम लिख रहे हैं, ये बार बार लेके आएंगे, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अब इसमें आप लिख सकते हैं, देखिए ये आपके प्रयोगशीलता है कि भारतेंदु कहते थे निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। ये लिख के आप एक अच्छा सा पुष्ट अपने आंसर को दे देंगे कि नहीं मुझे बहुत कुछ पता है। भारतेंदु इसके आगे कहते थे, भारतेंदु हमेशा इसी बात पे जोर देते थे कि हिंदी भाषा को हमें महत्वपूर्ण स्थान देना है। भारतेंदु ने अपने नाटकों, निबंधों, पत्रिकाओं के माध्यम से नवजागरण की चेतना का प्रचार किया। यहाँ पे आप भारतेंदु के पत्रिकाओं का नाम लिख सकते हैं, कवि वचन सुधा, इस प्रकार से उनके नाटकों, कोई भी नाटक आपको याद हो, चाहे वो राजा हरिश्चंद्र याद हो आपको, भारत दुर्दशा याद हो, जो भी याद हो आपको आप लिख सकते हैं निबंध के नाम वगैरह। चलिए हमें बहुत सारगर्भित रूप में लिखना था। चलिए इसके आगे हम देखते हैं द्विवेदी युग में, द्विवेदी युग में भी जो यही चेतना नवजागरण की चेतना थी वो बहुत ही उसमें द्वैतता की, हाँ इसमें भी इम्पोर्टेंट था, द्विवेदी युग में भाषाई द्वैतता की समाप्ति हुई, साथ ही साथ काव्य हिंदी साहित्य में काव्य और गद्य दोनों की भाषा खड़ी बोली बन गई। और छायावादी काल में जो यही राष्ट्रीय चेतना थी वो व्यक्ति स्वातंत्र्य के साथ साथ पूरे के पूरे समस्त मानवता की मुक्ति के साथ जुड़ गई। यह आप जोड़ सकते हैं यहाँ से, क्योंकि इसी काल में हम प्रसाद के नाटकों जैसे हम देख सकते हैं कि प्रसाद के नाटकों में जो ये चेतना है, राष्ट्रीय चेतना है, वो अतीत से प्रेरणा लेती हुई हमें नजर आती है। देश की दुर्दशा निहारों के जैसे गीत और स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारते जैसे संदेश देते हुए प्रसाद के नाटक इसी राष्ट्रीय चेतना का प्रसार करते हैं। यहाँ पे आप प्रगतिवाद को भी लेके आ सकते हैं, प्रगतिवाद ने इस राष्ट्रीय चेतना में सर्वहारा वर्ग को भी जोड़ दिया। इस तरीके से आप अपने आंसर को बहुत छोटा, आगे आप बहुत सारे पॉइंट जोड़ सकते हैं, उपन्यास इसमें आप जोड़ सकते हैं, हिंदी भाषा के अन्य जो आपको नेता है पुरुषोत्तम दास टंडन जी का अपना
नाम लिख सकते हैं, प्रेमचंद जी का आप नाम लिख सकते हैं, प्रेमचंद जी ने कैसे अपने उपन्यासों अपने कहानियों के माध्यम से इसी राष्ट्रीय चेतना का प्रसार किया, जितना आपको याद हो सके। हम तो इम्पोर्टेंट आंसर बता रहे थे कि इस तरीके से आपका अप्रोच होनी चाहिए, ये आप आंसर को टैकल कर सकते थे। और अंत में आप एक बहुत अच्छा सा आप निष्कर्ष दे सकते हैं कि इस प्रकार निश्चित ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की राष्ट्रीय चेतना को एक व्यापक दिशा देने हेतु समस्त भारतवर्ष हिंदी साहित्य का अनंत काल तक ऋणी रहेगा। बहुत अच्छा सा निष्कर्ष देख के भविष्योन्मुखी बना।